दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपके अपने YouTube चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन के प्रत्येक वीडियो में आप नई दवा की जानकारी पाते हैं, आज एंटीबायोटिक्स ग्रुप की दवा एजिथ्रोमाइसिन के बारे में हम जानेंगे। यह दवा ज़्यादातर डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और जनरल प्रैक्टिशनर की फर्स्ट चॉइस मेडिसिन है। काफ़ी इन्फेक्शन में इसे यूज़ करते हैं और आप में से काफ़ी दोस्तों ने इस दवा को लिया होगा और काफ़ी फ़ायदा पहुँचा होगा। लेकिन इन सभी के बावजूद भी आपको कन्फ्यूज़न रहता होगा इस दवा को किस पर्टिकुलर इन्फेक्शन में देना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और साथ ही कितने दिनों की इसकी डोज होती है, ये सभी बातें और किस किस इन्फेक्शन में इसके अलावा दूसरी एंटीबायोटिक दवा देनी चाहिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में आपको इसके यूज़ के बारे में डिटेल से बताऊँगा, साथ ही बताऊँगा इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कोई भी जानकारी नहीं छूटे, क्योंकि दवाओं की अधूरी जानकारी बहुत ही घातक होती है। मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेडिटॉक की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। यह एक मैक्रोलाइड टाइप एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो टेबलेट और सस्पेंशन दोनों ही फॉर्म में मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है दोस्तों। यह बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती है और उसके बाद इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। दोस्तों एक बात बताना मैं चाहूँगा, अगर एंटीबायोटिक्स लेना नेसेसरी नहीं हो तो उसे नहीं ले, क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने पर वो आपकी बॉडी में ऐसा इफेक्ट करती है कि दूसरी कोई भी दवाई काम नहीं करेगी और पर्टिकुलर वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। इसलिए दोस्तों एंटीबायोटिक आवश्यक होने पर ही लें। एजिथ्रोमाइसिन की कुछ फेमस ब्रांड्स है एजीसिप, एजी, एजिथ्राल, जिथ्रोमैक्स और ये अपने जेनेरिक नेम एजिथ्रोमाइसिन से भी मार्केट में आराम से आपको मिल जाती है। दोस्तों ब्रांड जानने के बाद जानते हैं इसके यूज़ के बारे में डिटेल से, जो बहुत ही आवश्यक है। एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया जाता है, जैसे माइल्ड ईयर इन्फेक्शन, मिडल ईयर इन्फेक्शन जो होता है उसको, जिसके दौरान मरीज के कान में सूजन आ जाती है, कान में दर्द होता है और बच्चों में कई बार इन्फेक्शन होने पर उसे बुखार भी आ सकता है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन दवा का प्रयोग किया जाता है। कई बार जुकाम होने के कारण जब खांसी चलती है और नाक में पानी बहता है तो उस कारण से भी कान में सूजन आ जाती है और कान में दर्द होता है, और इसके अलावा कान में तरल बहने लग जाता है, कुछ लिक्विड आता है, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी एजिथ्रोमाइसिन काफ़ी फायदेमंद है। जब टोनसिल की शिकायत रहती है, गले में टोनसिल हो जाते हैं जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए भी आप इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकल टोनसिलाइटिस कहते हैं। और साथ में यदि किसी मरीज को बुखार है, गले में खारापन सा महसूस हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, तो भी डॉक्टर द्वारा एजिथ्रोमाइसिन दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। यदि किसी मरीज को निमोनिया है, निमोनिया से वो ग्रसित है, जिसमें मरीज को खांसी चलती है, बुखार आता है, सांस लेने में उसको परेशानी रहती है, स्पूटम बनता है, कफ बनता है, साथ ही चेस्ट में पेन रहता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। ट्रेवल डायरिया करके एक बीमारी है जिसमें यात्रा के दौरान दस्त लगने शुरू हो जाती है, उसका मुख्य कारण है इंटेस्टाइन और पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, उसको ठीक करने के लिए भी आप एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग कर सकते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम शॉर्ट में एसटीडी इन्फेक्शन कहते हैं, उसमें भी एजिथ्रोमाइसिन काफ़ी कारगर है। फीमेल्स में जब वेजाइनल डिस्चार्ज रहता है या बर्निंग यूरिनेशन रहता है, जो एसटीडी इन्फेक्शन का एक पार्ट है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन फायदेमंद है। और दोस्तों मलेरिया का जो इलाज है, जिसमें हम क्लोरोक्विन और पैरासीटामोल टेबलेट देते हैं, उसके साथ कई बार एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट भी दी जाती है। दोस्तों ये एजिथ्रोमाइसिन के यूज़ के बारे में डिटेल में आपको बताया है। इन सभी इन्फेक्शन में यदि एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब एजिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। कॉमन जो साइड इफेक्ट है उसमें आपको नोजिया, वोमिटिंग रहेगी, मतली, उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, साथ ही स्टोमक में अपसेट सा आपको लग सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम या विजन प्रॉब्लम हो सकती है। इनके अलावा भी कोई अनवांटेड इफेक्ट आपको अगर एजिथ्रोमाइसिन के मिले तो तुरंत ही दवा का सेवन बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले, जिससे आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। इसकी डोज जो एजिथ्रोमाइसिन की है इसके बारे में जानते हैं। जनरली एजिथ्रोमाइसिन की जो डोज है पेशेंट की एज और वेट के अनुसार अलग अलग बीमारियों में अलग अलग रहती है, परंतु एडल्ट के लिए जो डोज कॉमन है उसके बारे में जान लेते हैं। एजिथ्रोमाइसिन की 500 मिलीग्राम की टेबलेट, एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में एक बार पेशेंट को दी जाती है और वो दिन 3 दिन या 5 दिन तक उसको बढ़ा के
लिया जा सकता है। यदि इन्फेक्शन आपको कम है तो आप 3 दिन तक उस टेबलेट को लेते हैं, और इन्फेक्शन अगर ज़्यादा है तो वो 5 दिन तक आपको टेबलेट दी जा सकती है। एजिथ्रोमाइसिन को खाने के बाद भी लिया जा सकता है और खाने के आधे घंटे पहले भी लिया जा सकता है। कई बार पेशेंट को जब आधे घंटे पहले देते हैं तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। और बच्चों को अगर कोई भी मेडिसिन आपको दे तो जैसा हर बार बताता हूँ, विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं दें, क्योंकि बच्चों का जो कैलकुलेशन है वो पीडियाट्रिशियन करके देते हैं। और एजिथ्रोमाइसिन के बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जो बता रहा हूँ आपको उसमें है, ये प्रेगनेंसी में सेफ मेडिसिन है। ब्रेस्ट ब्रीडिंग में जो मदर है उनको भी आप ये एजिथ्रोमाइसिन आराम से दे सकते हैं। साथ ही ये आप अगर डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब करें, अगर आप उससे एलर्जिक हैं तो डॉक्टर को जरूर अवगत कराएं। साथ ही किसी भी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक से एलर्जिक हैं तो आप डॉक्टर को अवगत कराएं। लीवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है तो भी आपको डॉक्टर को बताना अति आवश्यक है। यदि आप कोई एंटीबायोटिक पहले से ले रहे हैं तो उसके बारे में भी डॉक्टर को जरूर बताएं कि ये एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं, जिससे कि वो उस दवा का इंटरेक्शन देख के आपको प्रिस्क्राइब कर सके। दोस्तों, ये वीडियो था एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। जिसे आप पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे किसी और फ्रेंड के भी काम आ सके। और अभी तक आपने इस चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन दवाओं के बारे में आपको मिलते रहें। आप थे अपने दोस्त मोहित दादीज के साथ और देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूज।